आपने ध्यान दिया होगा तो बीते 5 साल में जेडीयू और आरजेडी ने कैसे एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक तीखे हमले किए, ऐसे ऐसे आरोप लगाए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद लगता था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, फिर भी एकजुट हो गए। तो इसके पीछे क्या है वजह, इसे जरा आप समझिए। नीतीश कुमार को लग रहा था कि बीजेपी नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा रही है, यानी यादव वोट पर नजर। यह बात तेजस्वी यादव तक पहुंचा दी गई कि अगर बीजेपी ने किसी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो तेजस्वी के लिए अपना कोर वोट बैंक बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बात पर नीतीश और तेजस्वी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। तेजस्वी को लगता है कि नीतीश के साथ रहने से देर सवेर नीतीश कुमार के साथ जुड़े अति पिछड़ों के वोट भी उनके खाते में आ जाएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार आरसीपी सिंह वाले प्रकरण के बाद बीजेपी को लेकर अलर्ट हो गए। उन्हें लगता है कि बीजेपी आज नहीं तो 2024 के चुनाव के बाद उन्हें छोड़ सकती है। चौथी वजह नीतीश कुमार की अपने राजनीतिक विस्तार को लेकर है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी लेना चाहते हैं। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस भी चाहती है कि नीतीश जैसा चेहरा दिल्ली की राजनीति करे तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में सुविधा मिलेगी। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3.5 साल का समय है, लेकिन उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। कभी नीतीश के सहयोगी रहे शरद यादव ने कहा है कि नीतीश में पीएम बनने की क्षमता है, तो कैसे 2024 की रणनीति बिहार में नीतीश की पलटमारी से जुड़ी है, इसे समझने के लिए आप हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। एक तरह से जो है वो पुराना जो गठबंधन था उसकी एक बड़ी जीत है। बीजेपी से नीतीश कुमार की मोहब्बत खत्म हुई, अब लड़ाई बची है। 5 साल पहले जिस झटके में नीतीश कुमार ने लालू यादव को छोड़ दिया था, आज उसी जल्दबाजी में बीजेपी को कच्चा दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये फैसला भी ले लिया है। सबसे बड़ी खबर अभी तक की, गठबंधन टूटा, अब नीतीश इस्तीफा देंगे, यानी कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तो खुद ब खुद वो मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा। ये काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। चुनाव किसी और के साथ मिलकर लड़ते हैं, सरकार किसी और के साथ बना लेते हैं। 2015 में नीतीश ने चुनाव जीता आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन करके, लेकिन 2017 में आरजेडी कांग्रेस देखते रह गए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। 2020 में नीतीश कुमार ने चुनाव जीता बीजेपी के साथ मिलकर, और 2022 में फिर से पाला बदल लिया। बीजेपी खाली हाथ है, इसीलिए कल से आज होने में उसके सुर बदल गए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी गठबंधन धर्म को हमने निभाया है। हम लोगों का तो बहुत गठबंधन अच्छे से चल रहा है। हमने नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में दिया है, उनको हर प्रकार का स्वतंत्रता दिया है। विनाश काले ने विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल जब होगा तो बुद्धि तो विपरीत होगा। कहां गए वो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस वाले, कहां गए जरा पूछिए। अब खबर है कि आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे, बदले में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय चाहिए सो अलग से। जब गठबंधन होता है तो कई तरह की बात चलती है और इसके बाद फाइनल होता है। जैसे अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी गृह मंत्री होंगे और स्पीकर भी आरजेडी का होगा, ये पैकेज बन रहा है। कल तक नीतीश को पानी पी पी कर कोसने वाले आरजेडी के सुर बदल गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता है, समाजवाद से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग समाजवाद से जुड़े हैं आज एक हो रहे हैं। हमको तो कभी उनको हम लोग से दुश्मनी हुआ नहीं, हम लोग तो उनको दिल से प्यार करते थे। जो जो उनके साथ टाइटल देते थे पलटू चाचा तो मौसम वैज्ञानिक, तो सब चेंज हो गया। हम लोग कभी भी उनसे प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं। कि लालू और नीतीश की रेल है, लालू और नीतीश की रेल है, कुदरत का मेल है, जल्दी से बैठो प्यारे वरना गाड़ी फेल है। बिहार में सत्ता का ये खेल महज राज्य का मामला नहीं है, बल्कि इससे आगे सबकी नजर 2024 के चुनाव पर टिक गई है। आखिर नीतीश कुमार ने पाला बदला क्यों?
क्या इसलिए कि बीजेपी उनको फ्री हैंड नहीं दे रही थी? क्या इसलिए कि कभी नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह जेडीयू को तोड़ना चाहते थे? क्या इसलिए कि आरसीपी कांड के पीछे नीतीश कुमार बीजेपी का हाथ मानते हैं, या इसलिए कि 2024 के लोकसभा चुनावों से इस पलटबाजी का कोई नाता है? चौथा पॉइंट विशुद्ध राजनीतिक खेल है। आखिर जो आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से एक इंच पीछे नहीं हटना चाहती थी, वो डिप्टी सीएम के लिए कैसे तैयार हो गई? अरे केवल कुर्सी की लालच की लड़ाई है, वो हटाना चाहते हैं, ये रहना चाहते हैं, ये रहना नहीं वो देना चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, तो मैं इसके भीतर नहीं जानता हूँ, ये उनका विषय है। अब इन सारी घटनाओं के तार को 2024 के चुनाव से जोड़िए। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बिहार का चुनावी गणित बदल सकता है। चुनावी राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव तक सीएम रह सकते हैं। उस चुनाव में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे तो लोकसभा की ज्यादातर सीटें आ सकती हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर कहीं नीतीश का चुनावी तीर निशाने पर लग गया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव की दावेदारी हो सकती है। क्यों नहीं, बात यह न कि अभी तो फिलहाल सरकार न जैसी थी वैसी बन रही है, और सिचुएशन परिस्थिति बनेगी तो बन सकती है प्रधानमंत्री। लगता हूं। तो क्या आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी नीतीश कुमार की सत्ता की पालकी को अगले पौने दो साल तक उठाने को तैयार हुई है? इस सवाल के जवाब का इंतजार कीजिए। ABP News आपको रखे आगे।